नमस्कार दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज मैं आप लोगों को Adobe Premiere Pro CS 6 के अंदर ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी टेक्स्ट के अंदर वीडियो क्लिप को कैसे डालते हैं, कैसे पुट करते हैं, कैसे डिस्प्ले करेंगे किसी भी टेक्स्ट के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ये देखिए, इस तरह आप देख सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट के अंदर देखिए वीडियो क्लिप है, साथ में बैकग्राउंड भी है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक वीडियो क्लिप इसके टेक्स्ट के अंदर चल रहा है। तो इस तरह का इफ़ेक्ट अगर हमें क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, ये देखिए सिंपल, ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर वीडियो क्लिप प्ले हो रहा है, साथ में आपका बैकग्राउंड भी है। तो इस तरह का हम लोग टेक्स्ट अगर क्रिएट करना है, उसके अंदर वीडियो क्लिप डालना है तो क्या करेंगे, ये मैं आप लोगों को आज Adobe Premiere Pro CS 6 के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैक है, वीडियो ट्रैक है, वीडियो ट्रैक वन है, वीडियो ट्रैक टू है, वीडियो ट्रैक थ्री है। तो ये तीन वीडियो ट्रैक होना चाहिए। वीडियो ट्रैक वन नीचे वाला बैकग्राउंड के लिए वीडियो ट्रैक वन है, वीडियो ट्रैक टू है यहाँ पे वीडियो के लिए, और तीसरा वाला जो वीडियो ट्रैक है वो आपका टेक्स्ट के लिए। जैसा कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि टेक्स्ट के अंदर कैसे वीडियो क्लिप को पुट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीन ट्रैक होना चाहिए। अगर यहाँ पर वीडियो ट्रैक नहीं है आपका, तो यहाँ टाइमलाइन ठीक विंडो के यहाँ ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐड ट्रैक कर देंगे, तो एक्स्ट्रा वीडियो ट्रैक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वीडियो क्लिप लेकर आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वीडियो क्लिप लाने के लिए आप यहाँ पे फाइल में जाएं, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब जो वीडियो क्लिप को आपको टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करना है वो लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर गया, यहाँ पर एक वीडियो क्लिप मैं लेकर आता हूँ। यहाँ पे वीडियो क्लिप है, एक नॉर्मल से वीडियो क्लिप है, देख सकते हैं। यहाँ पे श्री रामा बोल के एक वीडियो क्लिप है, इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए श्री रामा 3GP, यहाँ पे एक वीडियो क्लिप आ गया। अब इस वीडियो क्लिप को आपको क्या करना है, इस वीडियो क्लिप को आपको वीडियो ट्रैक टू पर ला के रखना है। इस बात का ध्यान देना होगा, वीडियो ट्रैक टू पर ला के रखना है। तो क्या करेंगे, वीडियो क्लिप के ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे, जो वीडियो क्लिप आप लेकर आ चुके हैं, यहाँ प्रोजेक्ट विंडो का ये जो प्रोजेक्ट पैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वीडियो क्लिप मैंने इंपोर्ट करके लेकर आया हूँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए और माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए, ड्रैग करते हुए आपको वीडियो ट्रैक टू पर ला के रख देना है। यहाँ पर देखिए क्लिप वार्निंग दे रहा है, यहाँ पर आपको चेन सिक्वेस्ट सीक्वेंस सेटिंग, यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, ये मैच कर जाएगा उसके साथ। तो यहाँ पे देखिए वीडियो क्लिप यहाँ पे ये टू पे आपको ला के रखना है, ये मैंने टू पे ला के रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा व्यूअर विंडो में वो वीडियो क्लिप। अब यहाँ पे देखेंगे वीडियो, यहाँ पे इसका अगर ऑडियो हमें नहीं रखना है, ऑडियो नहीं चाहिए, तो नीचे देखिए ऑडियो का ट्रैक है, वीडियो ट्रैक के साथ ऑडियो है। तो आपको क्या करना है, वीडियो ट्रैक टू है, इसके ऊपर इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें टूगल ट्रैक लॉक दिया हुआ है एक, ये जगह इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाने के बाद नीचे का जो ऑडियो है यहाँ पे ऑडियो वाला, उस पर क्लिक कीजिए और उसे डिलीट कर दीजिए। राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। अब इसे लॉक हटा दीजिए। अब देख सकते हैं ये वीडियो ट्रैक टू पे मेरा वो वीडियो क्लिप है। इसे एक्सपेंड करने के लिए कोलैप्स एक्सपेंड ट्रैक है, ये बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं वीडियो ट्रैक, यहाँ पे वीडियो ट्रैक टू पे आपका वीडियो क्लिप दिखाई दे रहा होगा। इसे मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए वीडियो प्ले हो रहा है मेरा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, उसके लिए आपको एक टेक्स्ट लेकर आना होगा। तो टेक्स्ट कैसे लिखते हैं ये पहले देख लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये टाइटल बार है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेनू बार है, यहाँ पे जाएंगे मार्कर, उसके बाद टाइटल पे क्लिक करें। करने के बाद न्यू टाइटल में जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद इसके न्यू टाइटल के सब मेनू में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट स्टिल दिया हुआ इस पर क्लिक कर दें। करने के साथ यहाँ पे देखिए न्यू टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रेम रेट 29.97 PFPS दिया हुआ है, मतलब 29
0.97 जो है वो पर सेकेंड इतना फ्रेम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेम दे सकते हैं, टाइटल नेम दे दिया, दे सकते हैं मैं दे दिया राजा दे दिया, उसके बाद ओके कर दिया यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा देख सकते हैं यहाँ टाइटल का एक डायलॉग बॉक्स इस तरह विंडो खुल जाएगा टाइटल के लिए। और आपको क्या करना है, आप टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक कीजिए और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ कर्सर आ जाएगा, आप जो टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप यहाँ पर टाइप कीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गौतम, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसे ज़रा बोल्ड कर देते हैं ताकि इसके अंदर में जो वीडियो क्लिप प्ले होगा वो साफ साफ दिखाई दे। तो इस टेक्स्ट को आप लार्ज या साइज इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, बेस्ट ये है आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर ये जो पहला टूल है एरो है सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करें तो देखेंगे आपको यहाँ पर उसका चारों तरफ आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर आपको चारों तरफ बाउंड्री दिखाई देगा। आप इसे ड्रैग करके इस तरह आप इसे बड़ा कर सकते हैं। मैंने बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट को, ये मैंने इसे ड्रैग करके बीचों बीच ला के रख दिया। आप चाहें तो इसे यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और नीचे देखें टाइटल स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ से आप स्टाइल यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ भी बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने ये चूज़ कर लिया, ये मैंने क्लिक किया, अब देखें मैं टेक्स्ट ऐसे दिखाई देने लगेगा। ऐसे मैं अगेन मैं ड्रैग करके थोड़ा सा इसे इस तरह साइज इसका इंक्रीज़ कर दिया, ये मैं टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब जैसे ही इस टाइटल वाला ये जो पैलेट है इसे जैसे ही क्लोज़ करेंगे, ये मैंने क्लोज़ कर दिया, यहाँ पर क्लोज़ बटन है टाइटल के लिए, ये क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के साथ साथ आप क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट का जो विंडो पैनल खुला हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए राजा नाम से जो टाइटल था यहाँ पे स्टील इमेज नाम से यहाँ पे आ गया। अब इस टाइटल को आपको क्या करना है, ठीक टाइमलाइन के जो वीडियो ट्रैक टू पे आपने जो वीडियो क्लिप रखा हुआ है ठीक उसके ऊपर जो वीडियो ट्रैक थ्री है वहाँ पर ला के रखना है, मैंने वीडियो ट्रैक जो है उसके ठीक ऊपर वाला जो ट्रैक है उस पर ला के रखना है जो आपने टेक्स्ट लिखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, राजा नाम से जो टाइटल मैंने क्रिएट किया था उसको उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखना और ड्रैग करते हुए ठीक आप वीडियो ट्रैक थ्री पे लाके रख देना, ये मैंने रख दिया। रखने के बाद आपको क्या करना है, अब ये देखेंगे यहाँ पे देखिए वीडियो ट्रैक जो वीडियो ट्रैक जो है यहाँ वीडियो टूल ट्रैक पे ये वाला वीडियो क्लिप है यहाँ तक है और ये जो मैंने टेक्स्ट जो लिखा हुआ ये देखिए यहाँ तक है। इसे आप इस तरह ड्रैग करके इसे वीडियो ट्रैक तक आप इसे लंबा कर सकते हैं, खींच के पूरा कर सकते हैं यहाँ तक। इसे भी अगर एक्सपेंड कर देता हूँ, ये कोलैप्स दिया एक्सपेंड ट्रैक है यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ पे वीडियो यहाँ वीडियो ट्रैक थ्री पे मेरा टेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ऊपर टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आपको वीडियो क्लिप दिखाई दे रहा है। अभी मैं प्ले करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ये देखिए नीचे वीडियो नीचे आपका वीडियो है ऊपर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं। अब इसी टेक्स्ट के अंदर ये वीडियो क्लिप मुझे पुट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जिस पे आपका जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो टू लिखा हुआ है, वीडियो टू ट्रैक पे मेरा वीडियो क्लिप है उसको आपको क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इफ़ेक्ट का जो पैनल दिया हुआ है इफ़ेक्ट का प्रोजेक्ट के ठीक बगल में इफ़ेक्ट का पैनल, इस पर क्लिक करें। इफ़ेक्ट का जैसे पैनल पर क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे ऑडियो इफ़ेक्ट, ऑडियो ट्रांजिशंस, वीडियो इफ़ेक्ट्स, वीडियो ट्रांजिशंस दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको वीडियो इफ़ेक्ट का जो ये फोल्डर दिखाई दे रहा है इसके बगल में देखेंगे एक आपको रेक्टेंगुलर टाइप का आपको छोटा सा बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे वो पूरा फोल्डर आपको खुल जाएगा। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर आपको दिखाई देंगे तो नीचे आएंगे यहाँ पे देखें केइंग इमेज कंट्रोल के ठीक नीचे केइंग है, इसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्लिक करें ये बटन पर केइंग के, यहाँ पर क्लिक करने के बाद केइंग के अंदर बहुत सारा आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो इसे जरा मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे एक इफ़ेक्ट है केइंग के अंदर, यहाँ पे देखिए ट्रैक मेट की दिया हुआ, ट्रैक मेट की ये इफ़ेक्ट है याद रखें ट्रैक मेट की। इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें और ड्रैग करते हुए आपका जो वीडियो क्लिप था टाइमलाइन के अंदर जो वीडियो ट्रैक टू पे जो वीडियो क्लिप था उसके ऊपर ला के आप रख दें इस तरह। जैसे भी उस पर रखेंगे, जैसे ही आप उसके ऊपर आपने ट्रैक मेट की का इफ़ेक्ट डाला आपने, उसके साथ साथ आप क्या देखेंगे इफ़ेक्ट कंट्रोल जो राइट हैंड साइड में आपको इफ़ेक्ट कंट्रोल के विंडो में वो दिखाई देने लगेगा, ट्रैक मेट की दिखाई देने लगेगा, वहाँ पे देखिए मेट दिया है, कंपोजिट
यूजिंग दिया हुआ, यहाँ पे देखिए मेट के अंदर नन दिया हुआ है, नन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नन के ठीक बटन पे राइट हैंड साइड में एक डाउन बटन है, यहाँ पे देखिए नन दिया हुआ, वीडियो ट्रैक 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो ट्रैक 3 क्यों दिया हुआ, क्योंकि मेरा वीडियो ट्रैक 3 पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप गौर से देखेंगे वीडियो ट्रैक 3 पे मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपको चूज़ करना है वीडियो ट्रैक, यहाँ पे वीडियो 3 को चूज़ करना है, क्योंकि मेरा टेक्स्ट जो लिखा है वीडियो ट्रैक 3 पे है, तो ये मैं क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये आपका जो वीडियो ट्रैक है मेरा पीछे वाला टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के साथ साथ आप देख सकते हैं व्यूअर विंडो के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट के अंदर जो लिखा था, मैंने नाम लिखा था गौतम कुमार, उसके ठीक अंदर आपको वीडियो क्लिप शो होने लगेगा। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, जरा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने प्ले किया, ये देखिए देखिए टेक्स्ट के अंदर वीडियो क्लिप मेरा प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे ज़रा मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। ये देखिए ये मैं प्ले किया, ये देखिए प्ले हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं नाम के अंदर देखिए वीडियो मेरा प्ले हो रहा है। तो ये ऑप्शन ट्रैक मेट की के द्वारा हम लोग इस तरह का ऑप्शन तैयार कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट के साथ अगर आना होगा तो कैसा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा और इफ़ेक्ट अगर देना होगा इसमें तो मैं देता हूँ उसके अंदर, ताकि वो थोड़ा जूम के साथ आए तो और अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आप यहाँ इफ़ेक्ट के पैलेट में जाएं, जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशंस हैं, वीडियो ट्रांजिशंस इस पर आप क्लिक करें, करने के साथ नीचे आएंगे वीडियो ट्रांजिशन के नीचे सबसे नीचे देखेंगे जूम, जूम का ये फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे ये अनफोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो पहला वाला क्रॉस जूम, क्रॉस जूम को आपको क्या करना है, इस पर आपको इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें और ड्रैग करते हुए ठीक टेक्स्ट वाला जो वीडियो ट्रैक 3 पे मैंने जो टेक्स्ट लिखा उस पर ला के इस तरह रख दें आप। अब मैं दिखाता हूँ अब कैसा लगता है, देखिए ऐसे थोड़ा गौर से देखिएगा, ये देखिए ये देखिए अलग से आपको थोड़ा सा अलग सा इफ़ेक्ट नज़र आएगा, देखिए गौर से ये देखिए इस तरह का इफ़ेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जूम दे दिया, ये देखिए ये देखिए। अगर इसके ऊपर अगर नहीं देना टेक्स्ट के ऊपर तो अगर वीडियो क्लिप के ऊपर देते हैं तो कैसा लगता है ये भी देख लें आप। ये मैं ज़रा थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखें वीडियो ट्रैक 3 पे ये क्रॉस जूम का इफ़ेक्ट डाला हुआ है, इसे इस इफ़ेक्ट को हटाने के लिए इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें और इसे क्लियर पर क्लिक कर दें, हट जाएगा। अब मैं इसको ये जो क्रॉस जूम जो इफ़ेक्ट था ये मैं वीडियो क्लिप के ऊपर देता हूँ, ये मैंने वीडियो क्लिप वीडियो ट्रैक 2 पे मैंने डाल दिया। ये देखिए अब देखिए ये इफ़ेक्ट कैसे काम करता है, देखिए कितना अच्छा लगेगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने प्ले किया, ये देखिए जूम ये गया, ये क्रॉस जूम देने के बाद इसका इफ़ेक्ट देखिए कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। इसके साथ अगर म्यूज़िक अटैच कर दिया जाए तो इसका इफ़ेक्ट और दुगना हो जाएगा, देखिए ये देखिए इस तरह का इफ़ेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो ब्लैक रंग का बैकग्राउंड है, अगर चाहते हैं नहीं कुछ कलरफुल बैकग्राउंड हो तो उसके लिए क्या करेंगे ये भी देख लें। तो बेस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी जो वीडियो ट्रैक है ठीक उसके ठीक स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको क्रॉस जूम इफ़ेक्ट दे दीजिए, तो एक अच्छा सा इफ़ेक्ट ये देखिए जूम करके ये होगा, इस तरह का इफ़ेक्ट तैयार हो जाएगा, टेक्स्ट आपका स्टाइलिश वे में आएगा और साथ में अगर बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक दे देते हैं तो और अच्छा लगेगा। अब ये जो बैकग्राउंड ब्लैक है यहाँ मुझे कुछ कलरफुल बैकग्राउंड देना है तो यहीं से कैसे देंगे, आप वीडियो भी दे सकते हैं प्लस इसके पीछे बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए पहले से ही मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ वीडियो ट्रैक 1 लीव, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, वीडियो ट्रैक 1 अभी तक ब्लैंक है कुछ नहीं है, उसके ऊपर देखिए वीडियो ट्रैक 2 पे वीडियो ट्रैक है उसके ऊपर टेक्स्ट है। अब इस वीडियो ट्रैक 1 पे मुझे एक बैकग्राउंड देना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी आप टाइटल से भी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन आप क्या करें, यहाँ पे आपका मेनू बार है, यहाँ पे जाएं, यहाँ टाइटल में जाएं, जाने के बाद न्यू टाइटल में जाएंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टिल दिया हुआ है, यहाँ पे बेस्ड ऑन टेम्पलेट भी ले सकते हैं, तो फिलहाल नॉर्मल आप खुद से बनाइए तो डिफ़ॉल्ट स्टिल में जाएंगे। उसके बाद न्यू टाइटल आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए टाइटल नेम टाइटल 2 दिया हुआ है, यहाँ पे रहने दीजिए टाइटल 2, ओके कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल का ये जो पैलेट खुल गया। अब यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे हमें एक नॉर्मल से क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखें यहाँ पे अलग रेक्टेंगल देखें राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल टूल दिया है, इस पर क्लिक करके मैं एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरह ड्रैग कर दिया, ये देखिए
इस तरह ड्रैग कर दिया। करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो कलर है राइट हैंड साइड में, देखिए टाइटल प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, देख कलर दिया हुआ है, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कलर यहाँ से चूज़ कर लीजिए। यहाँ से मैंने ब्लू कलर ले लिया एक, या चाहें तो ग्रीन भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ब्लू चूज़ कर लिया, यहाँ से कलर ब्लू जो भी कलर चूज़ करेंगे बॉक्स के अंदर सेड है ब्लू, जो भी ले सकते हो ओके कर दिया। देखिए पूरा ब्लू बैकग्राउंड हो गया। आप चाहे इस पे आपको ग्रेडियंट इफेक्ट देना है तो अच्छा लगेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिल टाइप है राइट हैंड साइड में, टाइटल प्रॉपर्टीज़ बार है यहाँ पे, देखिए फिल टाइप दिया हुआ है, यहाँ सॉलिड दिया हुआ है, इसके ठीक बगल में क्लिक करें, यहाँ देखिए लीनियर ग्रेडियंट दिया है, रेडिकल दिया है, तो लीनियर चूज़ करने के बाद आप दो कलर एक साथ मिक्स करके इसमें फिल कर सकते हैं। तो कलर स्टॉप कलर वन दिया हुआ है यहाँ पे, ये दूसरा वाला कलर पे मैंने चूज़ करना है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे येलो चूज़ किया ओके। ये देखिए येलो के साथ ये ब्लू, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फिर अगेन कलर मुझे चेंज कर देता हूँ, ये मैंने ये कलर दे दिया, पिंक कलर चूज़ किया पिंक। ये देखिए कुछ इस तरह अच्छा सा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कलर ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर का हल्का कर सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर का, ये देखिए कलर इस तरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये देखिए ये बैकग्राउंड मेरा तैयार हो गया। अब इस बैकग्राउंड को क्या करना है, आपको पूरा फिल कर दीजिए चारों तरफ से, तो ताकि पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो टाइटल जिसमें आपने टाइटल क्रिएट किया है, जो विंडो खुला हुआ है उसे आप क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के साथ ही ये क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट वाला जब इफेक्ट का देखिए पैनल खुला या प्रोजेक्ट का पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए टाइटल टू नाम से आ गया, ये मेरा बैकग्राउंड के लिए मैंने एक टाइटल तैयार किया। तो ये वाला जो दूसरा वाला जो बैकग्राउंड जो हम लोगों ने टाइटल से बनाया है उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें और ठीक नीचे वाला जो ब्लैंक जो वीडियो ट्रैक वन था जो कुछ नहीं था उसके पीछे, ये मैंने उसके ऊपर ला के रख दिया, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं नीचे देखिए एक बैकग्राउंड आ गया है यहाँ पर, क्योंकि नीचे देखिए पहले कुछ नहीं था, वहाँ पे वीडियो ट्रैक वन पे मैंने वो बैकग्राउंड डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से अभी तो ब्लैंक किया हुआ, ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये नॉर्मल, देखिए ये देखिए। अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो दे सकते हैं आप, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप बैकग्राउंड मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं ये नॉर्मल, ये देखिए जूम हुआ, ये देखिए ये बैकग्राउंड आ गया। तो इस तरह अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड देकर भी तैयार कर सकते हैं इफ़ेक्ट, अगर विदाउट बैकग्राउंड अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी तैयार कर सकते हैं। ये मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये मैंने प्ले किया, ये देखिए जूम करके गया, ये बैकग्राउंड आ गया, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट के अंदर वीडियो क्लिप को पुट करते हैं। ट्रैक मैट यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये देखिए सिंपल है। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देना चाहूँगा, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ट्रैक तीन ट्रैक लेना है, वीडियो ट्रैक वन वो बैकग्राउंड के लिए, दूसरा वीडियो ट्रैक है वो आपका वीडियो क्लिप के लिए, और तीसरा वाला जो वीडियो ट्रैक है उस पर आपको टेक्स्ट लिखना है। और नॉर्मल सा इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, और इसमें इसके बाद वीडियो इफेक्ट के अंदर एक ऑप्शन है केइंग बोल के, दिखाता हूँ मैं आपको। वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ देख केइंग, इसको इसे अनफोल्ड करता हूँ, उसके बाद उसके ठीक केइंग के अंदर ट्रैक मेट की नाम से एक ये वीडियो इफेक्ट है, ये इसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट के अंदर वीडियो क्लिप को डाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।